दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू वीडियो पर। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि एमपी बोर्ड में अभी हमने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी उस पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो नीट का एग्ज़ाम है वो एमपी बोर्ड ने बीच में फंसा रखा है री एग्ज़ामिनेशन के। वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवाऊँगा, आप खुद सुनिए वो रिकॉर्डिंग, उस पर विचार कीजिए और फिर मेरे को बताइए कमेंट करके कि अब आप क्या सोचते हैं एमपी बोर्ड के बारे में। देखिए मैंने उनको बताया कि मेरा बायो का एग्ज़ाम है, कब है, 13 तारीख को। नीट कब है हमारा, 12 तारीख को। मैंने उनसे ये कहा कि मैम मेरा सेंटर दूर है थोड़ा सा, तो मेरा जो दिन है वो ख़राब हो जाएगा आने जाने में। तो वो मैम जो थी वहाँ पे वो कह रही थी कि बेटा मैनेज हो जाता है। ठीक है मैनेज हो जाता है, क्योंकि मैंने उनको जो सेंटर था वो पास में बताया था। देखिए वैसे तो मैं मैथ्स स्ट्रीम से हूँ, मैंने उनसे बायो का क्या क्या पूछा था। अब आपके चक्कर में इतना कुछ करना पड़ता है, अपने आप को बायो स्टूडेंट बताना पड़ता है वहाँ पे, तो जो सब्सक्राइब बटन है वो ज़रूर दबा दें आप, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। देखिए मेरी वहाँ पे बात हुई थी वो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुनवा ही दूंगा। अब मैं बस आपको स्टार्टिंग में ये ज़रूर बता दूँ कि अगर आप बायो स्टूडेंट हैं, नीट भी आप दे रहे हैं, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वो आप रिकॉर्डिंग सुन के आपको खुद समझ आ जाएगा, फिर अपन बात करते। आइए आप रिकॉर्डिंग सुनो। हाँ विशाल बोले। मैम मेरे को एक प्रॉब्लम थी मैम, मैं री एग्ज़ामिनेशन दे रहा हूँ बट मैम मेरा 12 तारीख को नीट का एग्ज़ाम भी है और फिर 13 को मैम बायो का एग्ज़ाम है। अच्छा जी मैम। हाँ एक एक मिनट विशाल, एक मिनट होल्ड कर। हाँ हाँ विशाल, के आपने टाइम टेबल निकाल लिया है? हाँ मैम टाइम टेबल तो है मेरे पास मैम, उसमें ना 12 तारीख को मेरा नीट एग्ज़ाम है और जो 13 तारीख है उसको मेरा बायो का एग्ज़ाम है। हाँ तो क्या मैम ये प्रॉब्लम कैसे हो रही पॉसिबल होगा मैम, मैं विदिशा से बात कर रहा हूँ, अगर मैं सेंटर भोपाल भी आता हूँ तो फिर मैम मेरा तो दिन ख़राब हो जाएगा, तो फिर मेरा मैम नेक्स्ट एग्ज़ाम तो छूट ही जाएगा। बेटा? ऐसा नहीं है, दिन खराब हो जाएगा तुम्हें, एक डेढ़ एक घंटे का रास्ता है। अगर ट्रेन से आप आते 45 मिनट, 1 घंटा लगता है ना, आप सब कुछ मिला के भी अगर 2 घंटे ही मान लेते हैं ना, हाँ तो मैम। आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। हेलो, मैम कोई चेंजेस का कोई भी ऑप्शन नहीं है किसी भी तरीके का? चेंजेस का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर मेल करके अपनी प्रॉब्लम बताना तो एमपीबीएससी की वेबसाइट पर आप मेल कर दीजिए, बाकी आप कर सकते हैं मैनेज। अगर करना चाहेंगे तो दोनों चीज़ हो सकती है, एक दिन का है अंतर तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैम वो तो मैं समझ रहा हूँ मैम, प्रिपरेशन भी तो करनी होती है मैम। एक दिन में आप कितनी करेंगे? प्रिपरेशन महीनों सालों पहले यानी महीनों से होती है ना, एक ही दिन में उसी दिन में नहीं होती है। तो नहीं मैम वो बात आप तो मैं समझ रहा हूँ बट मैम जो नीट है मैम वो तो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है मैम, उसे बीच में रख देना तो मैम हमें थोड़ी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे तो। देख लें, आप मेल कर दीजिए है ना एमपीबीएससी की वेबसाइट पे अपने प्रॉब्लम के लिए। ठीक है मैम ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स आपने जो अभी रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताई वो आपने ज़रूर सुनी होगी, आपने खुद देखा होगा कि बात करने का तरीका किस टाइप का था। देखिए आपने भी देखा कि मैंने उनको अपनी कंडीशन बताई कि मैम मेरा एग्ज़ाम है, मेरा सेंटर यहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा कि बेटा आप मैनेज कर सकते हो। अब देखिए मैनेज की बात रही तो देखिए मैं मैनेज कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो अपना सेंटर है वो पास बताया है, विदिशा से भोपाल मात्र 65 KM है, तो मैं मैनेज कर जाऊँगा ठीक है। पर बाकी कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं भी हमारे यहाँ पे ही है विदिशा में, अब उनका जो सेंटर है वो है इंदौर, अब कैसे करेंगे, अब तो उनको ट्रेन से जाना पड़ेगा। अब यही तो मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने उनसे ये भी कहा था, आपने सुना ही था कि कोई और अदर ऑप्शन है जो कि चेंज हो जाए, तो उन्होंने तो यही कहा था कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है चेंज होने का, अब कुछ भी करके आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब या तो आप नीट एग्ज़ाम दे दो या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे दो। अब अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया तो फेल कर दिया जाएगा आपको, आपका पूरा ईयर ख़राब। नीट एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपके जो 2 ईयर्स से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपकी ख़राब हो जाएगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। तो देखिए यही वो कंडीशन है, आगे कुआ पीछे खाई, आपको बीच में ही रह के दोनों में एक पैर देना ही पड़ेगा तभी आप बच पाओगे, एक जगह पूरा पैर दोगे तो गिर जाओगे। अब देखिए आप कुछ भी करके अब आप मैनेज कीजिए, अब उस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं, जो उनका थोड़ा बात करने का तरीका था वो मेरे को थोड़ा सा रूट टाइप का दिखा है इस बार। अब देखिए आपके चक्कर में हम इतनी बातें वहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने एक ही बात बताई कि कुछ नहीं है तो ये जो आईडी है इस पे आप मैसेज कीजिए, कुछ हो तो हो सकता है। खैर देखिए उन्होंने साफ बात तो यही कही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें अगर बात करें हमारी, हम कुछ कर सकते हैं तो देखिए हमारा इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क होता और थोड़े से सब्सक्राइबर ज़्यादा होते, आप अगर नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा देते तो उससे क्या होता कि अपनी एक यूनिटी बन जाती। अब यूनिटी आपको पता ही है एकता में ताकत है, अपना इतना बड़ा नेटवर्क इतने सारे अपन होते वहाँ पे, उन पे थोड़ा प्रेशर देते तो शायद वो इस बारे में सुनवाई करते।
आप वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप या तो नीट छोड़ दो अगर आपका सेंटर दूर है तो, क्योंकि बोर्ड अगर आपने छोड़ा तो पूरा ईयर ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, आपने एक बात उन्होंने और कही थी जो कि आपने भी सुनी होगी कि बेटा ये जो नीट की तैयारी है ये तो दो दो ईयर से होती है, एक दिन में आपकी क्या तैयारी हो जाएगी। तो ठीक है मैम, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बट मैम क्या 2 ईयर से हम तैयारी कर रहे हैं और एक दिन हमें रिविज़न को नहीं चाहिए? जो एक दिन होता है उसमें हम क्या मेन मेन पॉइंट्स पढ़ के नहीं जाते हैं? अगर हम मैथ के, जैसे मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, अगर मेरा एग्ज़ाम होता है तो मैं क्या जो मेन फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ के नहीं जाता हूँ? क्या मेरे को वो 2 ईयर से याद रहेंगे? तो यही थोड़ी सी बात मेरे को थोड़ी सी जमी नहीं है, और आप अब देख सकते हैं एमपी बोर्ड। तो फ्रेंड्स मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा सा आपकी तरफ से हमें सपोर्ट दीजिए, क्योंकि अगर फर्दर आगे ऐसे ही बच्चे आते हैं और इसी तरीके की कोई अगर दिक्कत होती है तो हम उन बच्चों को तो कुछ मदद कर पाएंगे। देखिए अभी की जो कंडीशन है इसमें तो हम कोई मदद नहीं कर पाए आपकी, बट आगे जो बच्चियाँ हैं उनके साथ ऐसा ना हो। तो कीप सब्सक्राइब, नीचे जो रेड बटन है उसे ज़रूर दबा दें। तो फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो भी चेक करें अगर आप री एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वहाँ पे हमने एक स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई है 7 डेज़ की, वो आप देख सकते हैं अगर आप री एग्जामिनेशन दे रहे हैं।